भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल ने मीडिया से बात की है। उन्होंने इस बातचीत में अपने चुनावी रणनीति का खुलासा किया है। अरुण गोविल ने कहा कि यह चुनाव उनके लिए एक नई पारी की शुरुआत है। अनुभवी अभिनेता और भाजपा नेता ने कहा कि मेरठ सीट से उनकी उम्मीदवारी उनके लिए घर वापसी की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, यह मेरे लिए एक नई पारी की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत रोमांचित हूँ, लेकिन मैं शांत हूँ, मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि ये घर वापसी जैसा है, क्योंकि मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। अरुण गोविल ने कहा कि राम जी सब ठीक करेंगे। अरुण गोविल ने आज नामांकन भी दाखिल कर लिया है। अभी सुबह में हमने एक बैठक अटेंड की, जो कार्यकर्ताओं की बैठक थी मेरठ दक्षिण विधानसभा की, और सुबह जो जो हमारा ऑफिस बीजेपी का नया ऑफिस था वहाँ पर एक यज्ञ था, हवन था, पहले हमने वो अटेंड किया, फिर ये बैठक अटेंड। ठीक है, ये काम जो है ये आप ये मुझे नहीं पता पहली बात, और ये काम जो है संगठन का है कि वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने बजे होगी, कहाँ से होगा, वो सब उनका काम है, वो मुझे बताएंगे, हम लोग वैसे ही कर लें। लेकिन प्रत्याशित घोषित हुए तो अच्छा लग रहा है, और उसके लिए जो काम करना है हमें